हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आवजा टेक्निकल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे टूल के बारे में गाइस, जिसकी मदद से आप जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टास्क जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और इन टास्क को किसी और से हल करवा के मनी अर्निंग जो है यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे ऑलरेडी प्री डिफाइंड टास्क भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं, जिसको यदि आप सोल्व करते हो तो उसके साथ साथ में आपको यहाँ पे मनी अर्निंग जो है वो हो जाती है। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे ये बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इस टूल को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टास्क जो है यहाँ क्रिएट कर सकते हो गाइस। इसके अलावा यहाँ पे आप कैसे किसी और से इनको हल करा के मनी अर्निंग जो है कर सकते हैं। तो गाइस, इस टूल का नाम है टोलो का, जहां जाकर के आप टोलो का टास्क को क्रिएट करेंगे और इस टास्क को किसी और से करवा के मनी अर्निंग करेंगे। तो चलिए गाइस, बिना समय गवाए मैं आपको ले चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। लेकिन गाइस, अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना और आगे लगे हुए बेल आइकन को जरूर दबाना। तो चलिए गाइस, अब ले चलता हूं मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देख लेते हैं कि किस तरीके से टोलो का टास्क जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। लिखेंगे हम टोलो का एंड हम यहाँ पे इसको बेसिकली सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद गाइस, हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा उस पर हम क्लिक करेंगे एंड देन उसके बाद में हम जो है सीखेंगे कि कैसे हम टोलो का पे जाकर के टास्क जो है वो क्रिएट कर पाएंगे। तो गाइस, उसके लिए हमारे पास में देखिए, जब हम कुछ चीज सर्च करते हैं तो यहाँ पे गाइस हमको दो लिंक यहाँ पे मिलती हैं, जिसमें सबसे पहला हमको ऑप्शन मिलता है गेट पेड टू शो टास्क ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हो तो आप गेट पेड टू टू शो टास्क ऑनलाइन पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप कोई टास्क क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए गाइस यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है टोलो का AI पावरिंग AI विथ ह्यूमन इनसाइट। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करना होगा। जैसे गाइस आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में टोलो का जो इंटरफेस है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखा हुआ मिलता है पावरिंग AI विथ ह्यूमन इनसाइट। तो गाइस यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हैं यहाँ पर, तो आपको ये सारे ऑप्शन मिलते हैं कि किस तरीके के जो टास्क हैं वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल से रिलेटेड आप टास्क क्रिएट कर सकते हैं, या डेटा एनोटेशन से रिलेटेड टास्क आप क्रिएट कर सकते हैं, मॉडरेशन से रिलेटेड टास्क आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई ई कॉमर्स साइट है और उसके लिए अगर आप कोई टास्क क्रिएट करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। साथ साथ में आप इनहांस साइट सर्च, यानी कि अगर आप सर्चिंग करते हैं उसमें कोई अगर इमेज दी गई हो, आपको दिखाना है कि इमेज उससे मैच होती है या नहीं होती है, तो वो उस तरीके के टास्क आप यहाँ जो है क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंप्यूटर विजन यानी कि इमेज एनोटेशन से रिलेटेड टास्क यहाँ पे आप जो है इसकी मदद से जो है यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो कई सारी गाइस चीजें आपको यहाँ मिल जाती हैं। अगर आप इस साइट पे आते हो तो आप ऑलरेडी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। बट हम जो यहाँ पे गाइस बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से टास्क यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो गाइस जब आप नए यहाँ पे आते हो तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपने मेल आईडी से इसको सबसे पहले लॉगिन करना होता है। तो गाइस मैं यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे लॉगिन का हमको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे हम इसको क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे हमको दो ऑप्शन मिलते हैं, आप देख सकते हो चूज योर रोल, मतलब अगर आप प्री डिफाइंड टास्क से मनी अर्निंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप आपके खुद की कुछ टास्क क्रिएट करके मनी अर्निंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है आई नीड डेटा फॉर माय प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे गेट डेटा लेबल, रन सर्वे, कलेक्ट ऑनलाइन डेटा, गैदर फील्ड डेटा, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को जो है बेसिकली मिल जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं लॉग इन एज ए रिक्वेस्टर पे क्लिक करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर लॉग इन कर चुका हूँ। अगर आप यहाँ पर नए आते हो तो आपको पहले यहाँ पे साइन अप करना होगा, देन आप यहाँ पे लॉग इन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लॉग इन एज ए रिक्वेस्टर पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। तो गाइज यहाँ पे क्लिक करने के बाद में हमको जो टोलोका का जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमको टास्क क्रिएट करने हैं उसका पूरा जो इंटरफेस है यहाँ पे देखने को मिलता है। बट यहाँ पे गाइज थोड़ा सा हमको वेट करना होता है क्योंकि ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। जैसे गाइस ये ओपन होता है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है यहाँ पर टास्क जो है क्रिएट कर पाएंगे। तो गाइस अब यहाँ पे ये देखिए ये रन हो रहा है यहाँ पर, और ऊपर की तरफ गाइस आपको देखने को मिल जाता है टोलो का अर्न मनी ऑनलाइन विथ
विथ परफॉर्म अ डिफरेंट टास्क और टू क्रिएट अ डिफरेंट टास्क. सो गाइस यहाँ पे 2 मिनट ये लेगा, उसके बाद में ये ओपन होगा. तो गाइस यहाँ पे देखिए ओपन हो रहा है. तो चलिए गाइस ये यहाँ पे ओपन हो चुका है. तो गाइस मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक टास्क क्रिएट कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं बिजनेस कॉन्टेक्ट्स के नाम से मैंने एक टास्क यहाँ पे क्रिएट कर रखा है. बट मैं आपको और पूरी चीजें यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे हमको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है. गाइस जब आप यहाँ पे टास्क क्रिएट करते हैं तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको जिस ईमेल से आपने लॉगिन किया है वो आपको यहाँ पर दिख जाता है. एंड देन उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाते हैं. उसके बाद में गाइस यहाँ पे यूजर्स जो आपके टास्क को परफॉर्म करता है वो उन सबकी गाइस लिस्ट जो है आपको यूजर्स के अंदर देखने को मिलती है. एंड देन गाइस यहाँ पर ऑप्शन आता है स्किल्स का. स्किल्स का मतलब गाइस कि जिस तरीके के टास्क आपने यहाँ पे क्रिएट किए हैं तो किस तरीके के बंदे आपको रिक्रूट करने या किस तरीके के बंदे आप चाहते हो जो टास्क परफॉर्म करें, तो वो बेसिकली आपको स्किल्स के अंदर दिखाई देता है. एंड देन प्रोफाइल्स, उसके बाद में मैसेजेस, यहाँ पे आप मैसेजेस भी जो है बेसिकली कर सकते हैं जो टास्क परफॉर्म करते हैं. एंड देन गाइज अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती किस तरीके से आपको टास्क वगैरह क्रिएट करने हैं तो यहाँ पे गाइज आपको पूरी यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिसोर्सेस दिए जाते हैं, ब्लॉग्स वगैरह आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं. इसके अलावा यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे क्या न्यू है वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है. तो चलिए गाइस मैं अगेन प्रोजेक्ट्स पे आ जाता हूँ क्योंकि हमको बेसिकली प्रोजेक्ट क्लियर करना है और उससे मनी अर्निंग करनी है. तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट्स पे आ जाते हैं और गाइस उसके बाद में हमको जो ऑप्शन मिलता है यहाँ पर क्रिएट अ प्रोजेक्ट, हमको यहाँ पे क्लिक कर लेना है इस तरीके से. सबसे पहले जैसे ही गाइस हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो हमको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं. हाउ वुड यू लाइक टू स्टार्ट योर न्यू प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डू इट माई सेल्फ या फिर गेट एक्सपर्ट्स हेल्प, यानी कि आपको मान लीजिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है जो आप खुद नहीं कर सकते हैं तो आप यहाँ पे एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकते हैं. अदरवाइज आप गाइस यहाँ पे डू इट माई सेल्फ पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे कितने सारे प्रोजेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हैं वो पूरी लिस्ट आपको गाइस यहाँ पे इजिली देखने को मिल जाती है. गाइस जैसे यहाँ पे लिस्ट आती है मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आप यहाँ पे जो है बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं. तो गाइस ये स्टार्ट हुआ है तो देखते हैं स्टार्ट हुआ है ये पहले. तो देखिए गाइस ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि एज ए प्लेटफॉर्म वर्क होता है तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा एज अ टाइम लगता है इसको स्टार्ट होने में. तो गाइस यहाँ पे ये स्टार्ट हो चुका है. तो देखिए अब यहाँ पे गाइस आपको रिकमेंडेशन दिया जाता है, ऑल रिकमेंडेशन डेटा लेबलिंग केसेस. जैसे आपको इमेज से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो यहाँ पे गाइस देखिए इमेज क्लासिफिकेशन, प्रोडक्ट सर्च रिलेवेंस, ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन एंड डिटेक्शन, इसके नीचे हम आ जाते हैं. तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म इमेज, एक्सेलरी रिकमेंडेशन, इमेज कंपेरिजन, इसके अलावा आपको यहाँ पे हैंड जेस्टर क्लासिफिकेशन, वीडियो कंपेरिजन से रिलेटेड आपको मिलते हैं. इसके अलावा आप टेक्स्ट से रिलेटेड कोई आप अगर टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ये सारे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं. इसके अलावा आप ऑडियो से रिलेटेड कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ये सारे प्रोजेक्ट्स दिख जाते हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं. तो कई सारे गाइस यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं, फील्ड टास्क से रिलेटेड, डेटा एनरिचमेंट, रिटेल ई कॉमर्स से रिलेटेड टास्क अगर आपको क्रिएट करना है वो सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं. तो ये देखिए गाइस यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट है जो आप यूज करके टास्क क्रिएट कर सकते हैं. तो अब टास्क आपको क्रिएट कैसे करना है तो गाइस यहाँ पर हम एक ऑप्शन ले लेते हैं. यहाँ पे हम डेटा एनरिचमेंट के अंदर एक हमारे पास में ऑप्शन आता है माइनिंग बिजनेस कॉन्टेक्ट, मतलब कि मान लीजिए मुझे किसी बिजनेस के लिए कोई कॉन्टेक्ट नंबर्स और उसका ईमेल एड्रेस चाहिए और मैं चाहता हूँ वो कि किसी और से मैं अगर ये काम करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इस टास्क को क्रिएट करूंगा. तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ. तो गाइस जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो गाइस यहाँ पे देखिए आपको नीचे ऑप्शन मिलता है, ये बेसिकली एज ए नाम है माइनिंग बिजनेस कॉन्टेक्ट, मतलब माइनिंग बिजनेस जो है, माइनिंग बिजनेसेस जो है उनके कॉन्टेक्ट चाहिए, किसी भी तरीके का अगर बिजनेस कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी अगर मुझे चाहिए और मैं चाहता हूँ किसी और से वो उससे मैं फाइंड आउट करा करके मनी अर्निंग करना चाहता हूँ तो गाइस आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले इस पर क्लिक करना होगा. एंड देन उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको दो और ऑप्शन मिलते हैं,
चूज दिस प्रीसेट, अगर आप इस पे काम करना चाहते हो तो आपको चूज दिस प्रीसेट पे क्लिक करना है। अगर आप प्रीवियस टास्क इंटरफेस देखना चाहते हो कि भाई किस तरीके का टास्क ये दिखता है, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। एंड देन व्यू डेमो पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप उसका डेमो भी जो है देख सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको एग्जाम्पल मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल मिल जाते हैं, एग्जाम्पल ऑफ टास्क, एग्जाम्पल ऑफ अनस्टेबल डेटा एक्सएलएस और सीएसवी किस तरीके से हमको यहाँ पे यूज करनी है, और एग्जाम्पल ऑफ द लेबल्ड रिजल्ट, तो यहाँ पे लेबल्ड रिजल्ट के भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहें तो क्लिक करके जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो कलेक्ट इन्फो फ्रॉम वेबसाइट, फाइंड कंपनी फोन नंबर, सर्च फॉर द ईमेल कॉन्टेक्ट ऑन वेबसाइट, तो हमको यहाँ पे इन चीजों को हमको बेसिकली किसी और से करवाना है, तो और उसके लिए मैं टास्क क्रिएट करना चाहता हूँ। तो गाइस सबसे पहले हमको क्या करना है, चूज दिस प्रीसेट पे हमको क्लिक करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। तो गाइस जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ मिलता है, मतलब हम एक न्यू फ्रेश प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे गाइस लिखा हुआ है नेम टू शो टोलोकर्स, जो टोलोकर्स होंगे जो आपका टास्क परफॉर्म करेंगे उनको क्या चीज दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे गाइस लिखा हुआ है माइनिंग बिजनेस कॉन्टेक्ट्स, तो मैं यहाँ पे बेसिकली माइनिंग को हटा करके बेसिकली यहाँ कर लेता हूँ बिजनेस कॉन्टेक्ट्स, हमको बिजनेस कॉन्टेक्ट्स एंड यहां मैं कर देता हूं फोन नंबर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे नाम हो गया बिजनेस कॉन्टेक्ट एंड फोन नंबर। तो यहाँ पे ये जैसे ही कोई बंदा आपके के टास्क को परफॉर्म करेगा तो उसको सबसे पहले यहाँ पर दिखाई देगा बिजनेस कॉन्टेक्ट एंड फोन नंबर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप बेसिकली डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं कि और कुछ छोटा सा डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिखा हुआ मिल रहा है फाइंड द फोन नंबर्स एंड ईमेल एड्रेसेस ऑफ द कंपनी, मतलब आपको किसी कंपनी के लिए फोन नंबर और ईमेल फाइंड आउट करना है, ठीक है। देन गाइस उसके बाद में हम थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे गाइस हमको टास्क इंटरफेस का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमको दो तरीके के ऑप्शन मिलते हैं, एडिटर है यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो, टेम्पलेट बिल्डर्स एंड HTML, JavaScript और CSS, तो दोनों में से एक पे आप क्लिक करके अपने जो आपका एडिटर है उस पे आप जो है एडिशन कर सकते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद में हम थोड़ा सा नीचे आते हैं यहाँ पर, उसके बाद में आता है डाटा स्पेसिफिकेशन। डाटा स्पेसिफिकेशन मतलब यहाँ पे अगर आप शो करेंगे शो स्पेसिफिकेशन, तो यहाँ पे आपको सारा इनपुट डेटा मिल जाएगा और आउटपुट डेटा, मतलब आपका जो इनपुट डेटा है वो जो आउटपुट जो टोलोकर्स ने आपके आउटपुट भरे हैं वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद गाइस थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे इंट्रक्शन फॉर टोलोकर्स, जैसे कि गाइस आप किसी टोलोकर से कोई टोलोकर से कोई टास्क अगर आप परफॉर्म करवाते हो तो वहां पे गाइस आपको एक ऑप्शन मिलता है एज अ ऑप्शन, जहां पे वो टोलोकर ये पढ़ सके कि किस तरीके से उस टास्क को बेसिकली परफॉर्म करना है। तो गाइस जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ओके, यहाँ पे जैसे ही गाइस हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए छोटा सा हमको इंटरफेस मिलता है जो कि ये बताता है कि जो टास्क टोलोकर परफॉर्म करेगा वहां पे किस तरीके से उसको परफॉर्म करना है। तो वहां पे आप पूरी डिटेल उसको बता सकते हैं कि हमको इस तरीके से फोन नंबर और कॉन्टेक्ट जो है फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है एक इंट्रक्शन बना सकते हैं उसको बताने के लिए कि किस तरीके से आपको जो टास्क है वो परफॉर्म करना है। देन गाइस अब यहाँ पे आप इसको सेव कर देंगे तो आपका जो पहला काम था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जिसमें गाइस सबसे पहले आपने टास्क का नाम दिया, टास्क का नाम देने के बाद में आपने एडिटर एडिटर पे गए जहां पे आपने उस टास्क का जो पूरा इंटरफेस है किस तरीके का दिखेगा उसको आपने एडिट किया। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको टेम्पलेट एडिटर और HTML CSS का ऑप्शन मिलता है। देन उसके बाद में इनपुट आउटपुट का ऑप्शन मिलता है जहां आपका इनपुट रहेगा, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का नेम है, नेम के बाद में एड्रेस और हमको कॉन्टेक्ट नंबर फोन नंबर अगर चाहिए तो वो हमारा इनपुट रहेगा। आउटपुट जो आपके टोलोकर टास्क को कंप्लीट करेगा वो दिखाई देगा। एंड देन उसके बाद में इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन आता है जहां पर टोलोकर ये देखेगा कि किस तरीके से उस टास्क को परफॉर्म करना है। ये काम गाइस बेसिकली उस टास्क को दिखाने के लिए। अब जो गाइस हमको बेसिक काम करना है वो यहां से स्टार्ट होता है। सबसे पहले गाइस हमको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है क्रिएट अ पुल,
अ पुल कंट्रोल लेबलिंग टास्क एंड सेटिंग लाइक ऑडियंस एंड प्राइस, मतलब टोलोकर्स जो आपके टास्क को परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए गाइस आपको एक प्राइस लिमिट तय करनी होगी कि किस प्राइस लिमिट के अंदर वो टोलोकर जो है आपके काम को करे, तो जहां पे आपको भी बेनिफिट हो और उस टोलोकर को भी बेनिफिट हो। तो इसके लिए गाइस यहां पे सबसे पहले एक पुल जो है वो क्रिएट किया जाता है। अब वो किस तरीके से क्रिएट किया जाता है वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए गाइस यहाँ पे जब हम क्रिएट पुल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ ऑप्शन आते हैं, जिसमें सबसे पहले ऊपर हमको देखने को मिलता है न्यू पुल। न्यू पुल मतलब पोल का टाइप क्या रहेगा, मतलब जो टोलोकर जो टास्कर है जब आपके टास्क को परफॉर्म करेगा तो उसको क्या दिखेगा, जनरल टास्क, एग्जाम पास आउट करेगा तब वो टास्क को परफॉर्म कर पाएगा, ट्रेनिंग टास्क है ट्रेनिंग कंप्लीट करके टास्क को परफॉर्म करेगा, रिट्राई करे, एक बार हो गया नहीं हुआ दूसरी बार रिट्राई करे, या फिर अदर्स। तो हम गाइस बेसिकली यहाँ ऑप्शन लेते हैं जनरल टास्क का। तो यहाँ पे हम इसको जनरल टास्क को यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे जनरल टास्क हमारा क्रिएट हो जाता है, ठीक है। देन गाइस उसके बाद में पुल हमारा तैयार हो गया। अब गाइस यहाँ पे हमको गेट वे पुल रेडी फॉर लेबलिंग, अब यहाँ पे हमारा जो लेब जो पुल था वो क्रिएट हो गया। अब गाइस यहाँ पे हमको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले गाइस यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट ऑडियंस फॉर योर टास्क, मतलब कि कौन सी ऑडियंस आपके जो टास्क है वो परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले ऑप्शन मिलता है हमको, बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि रीजन बाय फोन नंबर, रीजन बाय आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, डिवाइस टाइप के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग जो टास्क है वो टास्क परफॉर्म करेंगे, या फिर ब्राउजर के हिसाब से जो ब्राउजर के हिसाब से टास्क परफॉर्म करेंगे, या फिर कंट्री, लोकेशन, लैंग्वेज वेरीफाइड के अलावा बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं। हम गाइस यहाँ पे जो बेसिक लेते हैं वो लेते हैं यहाँ पर लोकेशन के हिसाब से। जैसे मान लीजिए मुझे लोकेशन के हिसाब से यहाँ पर करना है तो यहाँ पे मेरे को एक वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो वैल्यू के लिए गाइस यहाँ पे मान लीजिए मुझे इंडिया लोकेशन के अंदर ही चाहता हूँ कि मैं इंडिया के अंदर जो लोकेशन, इंडिया के अंदर जितने भी टोलोकर्स हैं जो टास्क करें वो टास्क परफॉर्म करें, तो गाइस यहाँ पे मैं ऑप्शन डाल देता हूँ इंडिया। तो ये यहाँ पे गाइस ऑप्शन आ गया हमारे पास में इंडिया, तो मतलब जो इंडिया में पूरे बंदे हैं जो टोलोकर्स हैं जो टास्क परफॉर्म करेंगे उसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। इसके अलावा गाइस यहाँ पे ऐड फिल्टर में जाकर के आप और भी ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, ऐड स्किल के अंदर जाकर के आप स्किल सेट भी जो है यहाँ पर कर सकते हैं। गाइस अब थोड़ा सा मैं यहाँ नीचे आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि और क्या क्या ऑप्शन हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो गाइस जैसे ही मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो यहाँ पे स्पीड एंड क्वालिटी बैलेंस का हमको ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे ये पूछता है कि स्पेशली टू द परसेंटेज ऑफ द टॉप रेटेड टोलोकर्स हु कैन एक्सेस टास्क इन दिस पूल, मतलब इस पूल के अंदर कौन से जो टोलोकर्स है जो टास्कर है वो टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा कि हमने सेलेक्ट किया था लोकेशन, तो गाइस देखेंगे आप यहाँ पे 32 टोलोकर्स ही अवेलेबल हैं जो कि 90% जो टास्क जो है कंप्लीट कर पाएंगे। तो अब गाइस ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे क्योंकि जो हम अर्निंग करना चाहते हैं वो इसके अकॉर्डिंग बहुत कम होगी। तो अब गाइस मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एज ए लैंग्वेज के हिसाब से करता हूँ यहाँ पर, जहां मैं लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ उसके हिसाब से हम देखते हैं कि कितने टोलोकर्स जो है हमारे पास अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पे अब गाइस 0 टोलोकर बता रहा है। तो थोड़ा सा गाइस अब मैं और नीचे आता हूँ, अगर हम कंट्री के हिसाब से करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे हम कंट्री डालते हैं इंडिया अगेन, ओके ठीक है गाइस। तो इंडिया के हिसाब से यहाँ पे 293 टोलोकर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो अभी हम इसको लेकर के चलते हैं, और यहाँ पे गाइस हमने परसेंटेज के हिसाब से हमेशा ये ध्यान रखिए गाइस, जब भी आप टोलोकर्स के अंदर टास्क क्रिएट करेंगे तो हमेशा आप 90% के अकॉर्डिंग ही जो है क्वालिटी टास्क क्रिएट करेंगे, जिससे गाइस आपकी जो टोलोकर्स है उनकी जो संख्या है वो बेसिकली बढ़ेगी। अदरवाइज गाइस यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो टोलोकर्स अवेलेबिलिटी जो होगी वो काफी कम होगी। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे हमने कंट्री सेलेक्ट की और कंट्री में हमने इंडिया सेलेक्ट किया, आप दूसरी कंट्री भी जो है वो कर सकते हैं जिससे आपके टोलोकर्स की संख्या बढ़ेगी और साथ साथ में गाइस आपकी जो अर्निंग है वो भी यहाँ पे बढ़ेगी। गाइस तो यहाँ पे हमने दो चीजें सीखी, सबसे पहले हमको यहाँ पे पुल क्रिएट किया जिसमें हमने सबसे पहले अपनी ऑडियंस को यहाँ पे
सेलेक्ट कर लिया कि कौन सी जो ऑडियंस है वो हमारे टास्क को परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पे अब गाइस मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ओके तो ये गाइस हमारा पहला काम हो गया। अब गाइस हमारा दूसरा काम आता है सेटअप क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्लिक कर लेता हूं मैं आपको, और थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, बताता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे आपको जो क्वालिटी कंट्रोल है वो डालना है। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले रिसेंट टास्क सूट टू यूज, जो रिसेंट टास्क हुए हैं उसमें कितने, मतलब जो बेसिकली हमने टास्क क्वालिटी रखी, जैसे जो पांच तक, जो पांच से कम अगर किसी की क्वालिटी है तो वो यहाँ पे टास्क नहीं रन कर पाएगा। तो जिसकी क्वालिटी पांच से ज्यादा है या पांच है तो वो यहाँ पे टास्क जो है वो रन कर पाएगा। ठीक है उसके बाद में गाइज यहाँ पे हमने लिखा है मिनिमम टाइम पर टास्क सूट, मतलब हर टास्क में मिनिमम कितना आपको टाइम देना है। तो एज कम्पेयर तो मैंने यहाँ पे लिखा है 15 सेकंड, यानी कि 15 सेकंड के अंदर हमको वो टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है उसके बाद में गाइस यहाँ पे कुछ बेसिकली चीजें आती हैं जो अपने को यूज नहीं करनी, ये प्री डिफाइंड होती है, यहाँ पे इसको हमें ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर हमको एड अ क्वालिटी कंट्रोल रूल, यहाँ पे आप क्वालिटी कंट्रोल रूल को भी जो है बेसिकली ऐड कर सकते हैं, बट गाइस यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप ऐसे ही रहने दें, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। तो गाइस यहाँ पे ये प्री डिफाइंड रहता है तो आपको इसको ऐसे ही रहने देना है, इसके अलावा आपको यहाँ पे इसको नहीं छेड़ना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे हम इसको सेव कर लेंगे। ओके तो गाइज ये यहाँ पे सेट क्वालिटी कंट्रोल हमारा सेव हो चुका है, तो हमारा यहाँ पर 33% काम जो है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में गाइज सेट टास्क प्राइस एंड ओवरलैप, जो कि गाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे हमको करना जरूरी है। तो हमेशा गाइज यहाँ पे देखिए प्राइस और आपको किस तरीके से सेट करनी है, तो यहाँ पे गाइज मीट अ टोलोकर एक्सप्लेनेशन वी रिकमेंडेड 0.041 पर टास्क सूट टू मीट मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट फॉर द सेलेक्टेड कंट्री टू अट्रैक्ट लार्ज ऑडियंस एंड रिलीज द प्राइस। सो यहाँ पे इसने ऑलरेडी दिया है कि आप 0.041 पर टास्क सूट रखें, ताकि इससे क्या होगा कि जो आपके ऑडियंस वो काफी ज्यादा इससे अट्रैक्ट होगी। उसके बाद में गाइस यहाँ पे ऑप्शन आता है नंबर ऑफ टोलोकर पर टास्क ओवरलैप To be get a reliable quality for agreement responses, we recommended 3 tolokar per task. मतलब 3 tolokar per task आप जो है recommend कर सकते हैं यहाँ पर। तो guys यहाँ पे हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं, और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए flexible price and overlap। तो यहाँ पे भी guys हमको कुछ नहीं करना है, ये already predefined रहता है, 0.041 dollar हमको यहाँ पे predefined रहता है, क्योंकि जो भी टास्कर यहाँ पे टास्क परफॉर्म करने आएगा वो ऑलरेडी अट्रैक्ट होगा कि आपने कितना मैक्सिमम जो पे आउट है वो रखा है। जितना आप मैक्सिमम पे आउट रखेंगे उतने ही आपको अर्निंग के चांसेस जो है वो यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे गाइस इसको भी हमको नहीं छेड़ना है, जैसा कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है उसको इसी तरीके से रखना है, और आगे वाले जो पोजिशन है हमको वहां पर चले जाना है। तो इसको हम गाइस यहाँ पे सेव कर लेते हैं। ओके तो गाइस ये हमारा ऑप्शन हो गया। एड ऑप्शनल पुल सेटिंग, यहाँ पे गाइस एडिशनल पुल सेटिंग का ऑप्शन आता है, अगर आप इसको डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको लेफ्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस हम इसको ऑलरेडी यहाँ पे सेव कर देंगे, हमको इसको कुछ भी नहीं करना है और इसको डायरेक्टली हमको यहाँ पे सेव कर देना है। ओके देन प्रिपेयर एंड अपलोड डेटा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूं कि जो भी टोलोकर आपका टास्क परफॉर्म करेगा उसके लिए गाइस आपके पास में प्री डिफाइंड एक शीट होनी चाहिए, एक्सेल शीट, जिसमें आपका ऑलरेडी प्री डिफाइंड डेटा होना चाहिए, और उसे आप यहां पे क्या करेंगे अपलोड करेंगे। तो यहां पे गाइस प्रिपेयर एंड अपलोड डेटा पे हमें क्लिक करना है। यहाँ गाइस हमको तीन ऑप्शन मिलते हैं, आप एक्सेल एक्स फाइल अपलोड कर सकते हैं, टीएसवी फाइल अपलोड कर सकते हैं, या फिर जेसन फाइल जो है यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं एक्सेल एक्सवी फाइल हमारे पास में अवेलेबल है तो मैं यहाँ पे उसको अपलोड कर लूंगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करता हूँ, एंड देन यहाँ पे गाइस मेरे पास में प्री डिफाइंड ऑलरेडी यहाँ से डाउनलोड की हुई फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं गाइस यहाँ से इसको यूज कर लेता हूँ। ये देखिए गाइस मेरे पास में एक्सेल एक्स की फाइल है, तो यहाँ से मैं एक एक्सेल की फाइल जो है यहाँ से अपलोड कर लूंगा।
ओके तो गाइज ये यहाँ पे देखिए अपलोड हो चुकी है, जहां पे हमारे पास में लगभग 768 आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। देन यहाँ पे गाइज मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर लूंगा। ओके देन यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू टास्क इनटू सूट, तो यहाँ पे हम इसको क्लिक कर लेंगे इस तरीके से। और ओके ठीक है गाइज, अब यहाँ पे गाइज अगर आप देखेंगे तो हमको यहाँ पर वाट टोलो का सी, जब टोलो का आपके टास्क को परफॉर्म करेगा तो उसको किस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा। तो गाइस उसको इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा, सबसे ऊपर उसको कंपनी का नेम दिखाई देगा, एंड देन उसके बाद में गाइस यहाँ पर उसको कंपनी का नेम, देन उसके बाद में उसको वेबसाइट का लिंक, और उसके बाद में गाइस उसको फोन नंबर एड्रेस का ऑप्शन जो है यहाँ पर दिखाई देगा, जहां जाकर के गाइस वो अपडेट जो है वो करेगा। आगे मैं आपको बताऊंगा गाइस पूरा। डबल चेक योर प्रोजेक्ट एंड ट्राई आउट टास्क, आप यहाँ पे सबसे पहले इसको ट्राई आउट करके देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है जो टास्क है वो परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंड क्लिक करने के बाद में गाइस यहाँ पर हमारा जो टास्क है वो यहाँ पे जो क्लिक क्रिएट जो है वो हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस जो हमारा टास्क है वो किस तरीके का यहाँ पर दिखाई देगा। तो गाइस सबसे पहले ट्राई टास्क एज ए टोलोकर, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और एज ए टास्क में यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तब मैं आपको यहाँ पे परफॉर्म करके बताता हूँ। तो गाइस सबसे पहले देखिए हमने इंस्ट्रक्शन डाले थे, वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे सबसे पहले दिख जाएंगे आपको कि किस तरीके से हमको टास्क जो है वो परफॉर्म करना है। तो गाइस यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको क्लोज कर लूंगा, एंड देन हमको जो कुछ टास्क है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे हमको कंपनी का नेम, देन उसके बाद ये जो हमारी कंपनी का नाम है वो, एंड कंपनी की वेबसाइट, और फाइनली गूगल, आप इसको गूगल कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हम डायरेक्टली कंपनी की वेबसाइट पे चले जाएंगे। तो इसको यहाँ पे मैं ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेता हूँ, एंड फाइंड इन गूगल, तो यहाँ पे भी मैं क्लिक करता हूँ और मैं इसको दूसरे टैब में ओपन करता हूँ। ओके तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारी जो कंपनी का जो लिंक था वो हमने यहाँ पे दिया, ये यहाँ पे ओपन हो गई, एंड देन गाइस यहाँ पे हमारा जीएमबी भी ओपन जो है यहाँ पर हो चुका है। तो अब गाइस यहाँ पे आप जाकर के हमको क्या करना है, इस कंपनी का ईमेल और हमको फोन नंबर फाइंड आउट करना है, देन उसके बाद में उसको हमें यहाँ पर क्या करना है, पुट करना है। तो जैसे मान लीजिए हमको, सपोज कि हमको दोनों ही नहीं मिले, तो हम यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट पे क्लिक करेंगे, एंड देन यहाँ पे हम सबमिट करेंगे। इसके बाद गाइस तो हमारे पास में दूसरा कंपनी का नाम आ जाएगा, ये देखिए कंपनी नाम हमारा चेंज हो गया, कंपनी की वेबसाइट और फाइंड इन गूगल दोनों हमारे पास में आ गए, और यहाँ पे सबमिट करेंगे। उसके बाद में हमारे पास में अलग जो तीसरी कंपनी होगी उसका नाम आ जाएगा। तो इस तरीके से जो टोलो कर रहे हैं आपके, वो इस तरीके से टास्क को परफॉर्म करेंगे। जैसे जैसे वो टास्क परफॉर्म करेंगे वैसे वैसे आपको जो है यहाँ पे अर्निंग होती जाएगी। तो इस तरीके से गाइज आप जो है टोलो कर पे जाकर के इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और भी कई सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। बट गाइज उसके लिए गाइज यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ लगाना भी जरूरी है। जैसे गाइज कोई भी टोलकर जब आपके ये टास्क को परफॉर्म करेगा तो यहाँ पे गाइज सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्राइस। अगर आप टोलकर के वो कुछ प्राइस देंगे तभी गाइज आप जो है कुछ अर्निंग कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि पर टास्क का आप 0.02 डॉलर अगर किसी टोलकर को देते हैं तो उसके रिटर्न में आपको जो डिस्काउंट आपको मिलता है उस टास्क का वो आपको जो है वापस आ जाता है। तो इस तरीके से आप जो है टास्क क्रिएट करके भी जो है अर्निंग कर सकते हैं, या इसके अंदर ऑलरेडी प्री डिफाइंड कई सारे टास्क ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनको भी आप जो है यूज कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, और वहां से भी आप अर्निंग जो है कर सकते हैं। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पे आप जो है इस टास्क को रन कर सकते हैं, एंड यहाँ पे हमने सबमिट किया क्योंकि गाइज ये अभी क्या ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन तब होगा जब आप यहाँ पर कुछ पे आउट करेंगे, कुछ पे करेंगे, उसके बाद में गाइज ये जो है ऑनलाइन हो जाएगा जो कि आपके सारे टोलकर्स को दिखाई देगा। देन उसके बाद में गाइज यहाँ पे आप जो है अर्निंग कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ गाइज ये छोटा सा जो वीडियो था एज ए टास्क क्रिएशन का टोलकर की मदद से आपको जो पसंद आया होगा, आप भी इस तरीके के टास्क क्रिएट करके कुछ मनी अर्निंग जो है यहाँ पे कर सकते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और गाइस अगर हमारा चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे लगे हुए बेल आइकन को जरूर दबाना। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।